लो भी मित्रों आ हैगा मिनी यू कम डियर्स सफारी बीड़तला, आप जी देख सकते हो एंट्री कर चुके हैं वीरो, बहुत बढ़िया माहौल है, दरख्त सोने लगे हुए हैं, हरियाली बहुत बढ़िया। एंट्री जी है यदि वीरो 30 रुपीज़ है, सो असी दो जाने आए हैं व्यू के 30 रुपए पर परसन एंट्री है। सो आप जी सुन सकते हो जानवर पक्षी बोल रहे ने, चह चहा रहे ने दरख्तों के उपर बैठ के, बहुत ही मनमोहक आवाज़ा जिहड़ियां आ रही हैं आप जी सुन रहे हो। लो वीरो इधर बनया हुआ शेर स्टैचू, इधर जेड़ा है व्याख्या केंद्र बीड़तला चिड़िया घर बनया हुआ है, बोर्ड लग्या हुआ है आप जी देखो। देखो कैमरे लगे हुए हैं, वीडियो दिखाई जाती है। सो मोरां दी प्रजाति इत्थे इन्होंने सांभ के रखी हुई है, सो आप जी इन्हें दिखाने हैं वड्डे पद्धर ते। इत्थे इन्होंने आ देखो एक जाल जा बना के इत्थे मोरां दी जिहड़ी है प्रजाति नूं सांभ के रखा हुआ है। मोर जिहड़े है आप जी नूं दिखाने हैं, आ देखो मोर, ये है मोरनी वीरो, ये मोरनी है। तो उधर देखो आप जी देख सकते हो मोर ने पैल भी पाई हुई है। लो भी मित्रों पहुंचे हैं, बहुत सोहना व्यू देखने को मिला, देखो दरख्त हरे हरे बहुत वधिया लग रहे हैं, वक् वक् पक्षियों दी जिहड़ियां आवाज़ां ने वो आ रही हैं, दिल में बड़ा सुकून जिहा मिल रहा है, शांति भी बहुत आ। ठीक है जी, तो आप जंगल गहरे जंगल के वालू बढ़ रहे हैं, ये जिहड़ा रस्ता जा रहा है ये डूंघे जंगल वालू जा रहा है। सो आप देखते हैं अगे आपां नूं की मिलना, इधर है तित्तर ते नाल ही इन्हां दे हैगे कबूतर, चट्टे कबूतर चीने विच गोले कबूतर भी बैठे भाई दाणा चुग रहे, अंडे भी देर के देखो, हाँ देखो अंडी देखो, ये अच्छे बत्तख ते इन्हां दे पीण नूं पाणी ते खाण नूं खुराक भी दिती हुई है। सो बहुत वधिया रख रखाव है, आ जिहड़ा जाल लाया होया ताकि यह पक्षी जिहड़े उड भी ना जान, इन्हां दी सांभ संभाल पूरी की जाती है, सफाई भी पूरी की रखी हुई है। सो आप जी जरूर आपके बच्चों दिखाउन लेके आओ, जिहड़ा हैगा इन्होंने वख वख चिड़ियां दीआं बहुत सारियां प्रजातियां जिहड़ियां वो सांभ के रखी हुई हैं, सो तुहानूं विखाउणे आ हुण वख वख चिट्टियां हरियां पीलियां चिड़ियां इन्हें खाने मित्रों, आ देखो खुराक ईमू जानवर है, ईमू आ देखो इन्हों का बोर्ड लग्या हुआ ईमू का,
जानवर भी विखाने आ देखो पीछे इमू जानवर है जेड़ा आप देख सकते हो काफ़ी हाइट का घट्टो घट 3 फुट की हाइट होगी इस जानवर की इमू जानवर है इमू लो भी मित्रों रैबिट जड़ा है वो बगाने तुम्हें तोते बैठे है आप भी देख सकते हैं मौकी लो भी मित्रों एक आ जानवर है इंडियन परक्यूपिन इंडियन परक्यूपिन जेड़ा हैगा जानवर दो जानवर इतने है इधर जिहड़ियां है गलहरियां वगैरह जिन्हों पंजाबी आप काटो कह दें उन्हां दी प्रजातियां है इतने ये फल खांदा होगा जिहड़ा जानवर है सो इहनू सेव लो भी मित्रों इधर है डीयर सफारी आपां चल पए आं आ देखो मित्रों क्या बात है इतना प्यारा है सिंह बड़े घेंट है सारी प्रजातियां मिल जाएंगी इतने तुहानू ध्यान नाल देखते जायो इन्हों नुकसान ना पहुँचाओ बस तुम चाहे कितने ही मिलने हैं इन्हों की केयर करो जिन्नी हो सके ओह वाओ इधर आ भी तुम दिखाने हाँ बहुत घट देखने को मिलता है जेड़ा आ जेड़ा हैगा जानवर एदे सिंह देखो किड्डे प्यारे एदे सिंह है जेड़े ये 12 सिंह है ये हले सिंह है ते छोटे है 12 सिंह दे बच्चे है देखो ये बड़ी अलोप होंगी जा रही प्रजाति है सो इत्थे सांभ रखी है बहुत वधिया देखो मित्रों इहदी एक खासियत है इन्हां दी देखो ये जानवर है जो जिहड़ा तुसीं आह टुट्टिया फुट्टिया सुक्या जा जिहड़ा हैगा मतलब भी दरख्तां दा माहौल जा देख रहे हो ना ये इहो जिहा ही माहौल जिहड़ा हैगा लाइक करदे आ ये जानवर ताइयों इन्हां ने इन्हां दे अनुसार ही जो है इत्थे दरख्त तोड़ भन्न के रखे हुए है सो देखो काफ़ी सारे है ये काफ़ी सारे वो देखो वाह बहुत सोहना जेड़ा आ 12 किलोमीटर तो जानवर है बई इनू 1 किलोमीटर तो शेर दा यानी कि पता लग जाता है यदि जी सूंघन शक्ति है या कन्ना की सुनन शक्ति है वो बहुत तेज है ये पहलियां जी पता कर लैंदा है तो भज लैंदा है भी हुण शेर आ गया जड़ा आ है ये हैगा चीतला ठीक है जी तो चीतला प्रजाति है हिरन दे वेची इहदे सिंग भी हिरन नालों देखो किड्डे घेंट है तलवारां वरगे है नज़ारा आ गया देख के भाई क्या प्रजातियां बनाई हैं कुदरत ने बहुत घेंट लगे जो भी आना है सफारी लो आपके इस पर बैठो इस तो थले नहीं उतरना भाजी को फॉलो करो जिदा तुम कहते हैं एट बैठ के तुम सब कुछ दिख जूगा नीचे उतर के की होगा नीचे नहीं उतरना आ देखो ये तो दिख नहीं आ रहे हैं आ काला हिरन है जेड़ा देखो काला ये आ जेड़ा पै ना ये कोले ब्लैक जा ये काला लून है ये काला लून ज्यादा खा के खुश है तो वीरो तुसी जदों भी इत्थे आना है ये जिहड़े जानवर है ये अपनी
वास्ते खतरनाक भी हो सकते हैं, अटैक भी कर सकते हैं। सो तुसी इत्थे जिहड़ा है वीरां दा आटो रिक्शा वगैरह लैके ही इह जाण दिंदे आ, उत्थों इह आण भी नहीं दिंदे। जिहड़े प्रबंधक है इत्थों दे ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੇਫਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਇਹ ਲਾਸਟ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਐਦੂਗਾਂ ਮੁਲਤਾਨੀਆਂ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 400-500 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਹੈ ਇੱਕ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੂ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟਿਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਹੈ ਪੂਰਾ 400-500 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਅਲੋਪ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ 12 ਸਿੰਘੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰੀਅਲ ਵੇਖੇ ਆ। ਹਿਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਹਿਰਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਊ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਘਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦਰਖਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਖਤ, ਕਈ ਦਰਖਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਂਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ 12 ਸਿੰਘੇ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਲ ਗਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬੱਚਾ ਘੈਂਟ ਲੱਗਿਆ, 12 ਸਿੰਘਾ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 12 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ 12 ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ 12 ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸੋ ਹਿਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ, ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ, ਵਾਈਟ ਹਿਰਨ, ਬਰਾਊਨ, ਕਈ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਡੱਬ ਡੱਬੇ ਜਿਹਾ ਬਟਰਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਧਰ ਤਿਤਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਲਾਏ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ। ਇੱਧਰ ਝੂਲੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਬੱਚਿਆਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਟੇ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਝੂਲੇ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ। ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਜਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੂਮਾ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮਿੱਤਰੋ ਦੋ ਪੂਮਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਈ। ਚਿੱਤਾ ਚੀਤਾ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਲੀਓਪਾਰਡ ਤੇਂਦੂਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੈਸਟ
करी जाते बेचारे दो तेंदुए जोड़े वो अंदर मौजूद। लो भी मित्रों तेंदुआ देखने तो बाद हूँ आप इधर बिल्कुल बाहर आ चुके हैं, इधर बनी हुई है इन्हों की कंटीन, तुसी भी कुछ खा सकते हो, चाह पानी पी सकते हो, कंटीन अवेलेबल है जंगल दे विच, सो बहुत बढ़िया मेनटेन करके रखा होया है सारा ही जिहड़ा चिड़ियाघर है, बहुत सोहना सफाई भी रखी हुई है वीरां ने, और इन्हां दे जानवरां दे खाण पीण वास्ते भी पूरी खुराक का जिहड़ा हैगा इन्हां वीरां तों पुछिया, कहिंदे पूरी खुराक का जिहड़ा हैगा इंतजाम किया जाता है, जो ये तेंदुए मीट वगैरह खाते हैं उन्हां दा भी पूरा इंतजाम किया जाता हैगा, और जो हिरन या कबूतर चिड़िया तोते खरगोश जो उन्हां दी खुराक है जो उन्हां दी डाइट है वो उन्हां नूं प्रॉपर टाइम पर दी जाती है, सो इन्हां प्रजातियां नूं तां ही बचाया जा सकता वीरो। सो ब्लॉग नूं देखण वास्ते वीडियो नूं जरूर लाइक करो, सपोर्ट करो और चैनल नूं सबसक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नवी वीडियो दे विच, धन्यवाद।